हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 उसके इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट, 7.3 में आपका टॉपिक है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। स्टूडेंट, जब क्या है, जो हमारा इंटीग्रेंड है, ओके, यानी कि कुछ इस प्रकार से, ओके, डीएक्स साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो इसी को तो इंटीग्रेंट बोलते हैं। तो इंटीग्रेंट जब क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमें क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, उन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को मैंने आपको क्या है, क्लास 11th में क्या है, अच्छे तरीके से क्या है, समझाया हुआ था। पहले उन्हीं को कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक सबको तो मैं यहाँ पर आपको नहीं नोट करवाऊँगा, ओके, लेकिन उनमें से आपके लिए कुछ मैं क्या है नोट करवाए दे रहा हूँ आपको, ओके। तो स्टूडेंट देखते हैं, सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट पहली आइडेंटिटी आपकी कॉस 2x, ओके, कॉस 2x होता है बेटा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। यदि स्टूडेंट यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके। और यहाँ पे यदि आप इसी में क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। और स्टूडेंट इसका एक और फॉर्मेट है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ओके। ये है स्टूडेंट आपकी पहली कॉस 2x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ओके। आपने डिफ्रेंशिएशन में भी इनको यूज किया है, बट यहाँ पे क्या ये फिर से यूज होने वाली है, इसीलिए मैं फिर से आपको, अब है आपका साइन 2x, तो बेटा साइन 2x आपका क्या होता है, 2 साइन एक्स और क्या कॉस एक्स। और दूसरा फॉर्मेट है स्टूडेंट आपका 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ओके। अब है स्टूडेंट आपका क्या तीसरा फॉर्मेट, अब है आपका साइन 3x, ओके। तो साइन 3x है बेटा आपका, ये होता है 3 साइन एक्स, ओके, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। अभी बात समझ में, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। और बेटा आपका अगला है कॉस 3x, तो ये होता है आपका 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3, स्टूडेंट यहाँ पे 3x नहीं होगा, ओके, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, और ये यहाँ पे क्या कॉस 3 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। आई बात समझ में कि नहीं? ये है स्टूडेंट्स आपका, ओके। और भी क्या है जो ज़्यादा यूजेबल है, वो आपके ये हैं, तो पहला, ओके, ये फिफ्थ अब है स्टूडेंट आपका 2 कॉस एक्स कॉस वाई। तो स्टूडेंट ये आपका क्या होता है, कॉस एक्स प्लस वाई, ओके, प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, दिखाई तो दे रहा है, क्लियर है। अब आपका छठवा है माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। तो स्टूडेंट ये होता है आपका कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई होगा स्टूडेंट, माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। अभी बात समझ में कि नहीं? देखो 2 कॉस एक्स कॉस वाई क्या, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, और ये यहाँ पे माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। स्टूडेंट इसमें माइनस लगाना पड़ता है, तो ये आपका क्या, अगर आप इधर से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या ये 2 साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, ओके।
तो डोंट फियर। ओके अब स्टूडेंट आपका क्या है फॉर्मूला नंबर 7। ओके टू साइन एक्स कॉस वाई, टू साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू ये होता है आपका साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। अब है आपकी अगली टू कॉस एक्स साइन वाई, टू कॉस एक्स साइन वाई। तो इसको किस प्रकार से स्टूडेंट आप ट्रीट करोगे, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ओके देखो स्टूडेंट, देखो आप इसका मैंने आपको तरीका भी बताया है। ओके अब मैं यहाँ पे आपको मेथड बताऊंगा तो फिर आपके लिए क्या है क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। ओके आई बात समझ में कि नहीं, तो टू कॉस एक्स कॉस वाई, टू कॉस एक्स कॉस वाई क्या कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई। ओके और टू माइनस टू साइन एक्स साइन वाई क्या कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, और टू साइन एक्स कॉस वाई ये क्या टू साइन एक्स कॉस वाई क्या आपका साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, और टू कॉस एक्स साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। आई बात समझ में कि नहीं। और स्टूडेंट आपको मैंने क्या है ये प्रीवियस ईयर बताया हुआ है, मैंने वो जो सी डी ओ था ओके कॉस डबलेट ओके वो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ट्रिक अप्रोच में बताया था सी डी ओ, तो वहाँ से आप पे ये सारे फॉर्मूले लिखे पड़े हैं। ओके तो आपको इन सारी फॉर्मूलों का एक बार फिर से क्या है आपको यहाँ पे क्या है ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो मैंने आपके सामने क्या है पुटअप कर दिए। अब आपको क्या है इनको अच्छे तरीके से बिल्कुल ओके लर्न कर लेना है, आई बात सर फुल एंड फाइनली, क्योंकि अगर आप अब लर्न नहीं इनको कर पाए तो फिर आप क्या है इनको कभी याद नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है इंटीग्रेशन कॉस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो आपने क्या है ये कॉस टू एक्स इक्वल टू आपने टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये आपने क्या है इसको आपने क्या है स्टडी किया हुआ है कॉस टू एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। देखो आपको यहाँ पे ये ऐसे डायरेक्टली नहीं कर देना है, अदरवाइज आप इस प्रकार से ओके कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आप क्या करो कि इसमें वन ऐड कर दो और अपॉन क्या आप कर दो कॉस एक्स क्यू एक्स अपॉन थ्री प्लस सी, ये आपका सरासर गलत है। आई बात समझ में करी, वो आपके लिए क्या है एक्स टू दी पावर एन वेरिएबल की पावर जब क्या है ओके इंटीजर फॉर्मेट में दिया है ओके और उसमें भी क्या है माइनस वन नहीं होना चाहिए इनको। तो स्टूडेंट देखो इसके लिए हमें क्या है एक टूल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आपको ये फॉर्मूला याद है देखो मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ कॉस टू एक्स इक्वल टू, अब देखो आप क्या है वन को इधर करो तो कॉस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स रह जाएगा ना ओके। अब टू आप नीचे भेज दो तो आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू बन गई कि नहीं, यानी कि वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू इक्वल टू आपका बेटा क्या कॉस स्क्वायर एक्स हो गया कि नहीं, तो आप क्या है ये यहाँ पे पुट कर दोगे कि नहीं ओके। और मैं बता रहा हूँ आपको और सीधा सा तरीका बता रहा हूँ, अगर आप उसको याद नहीं रख पाओ तो क्या है सबसे पहले इसमें क्या है टू कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप किस प्रकार से करोगे टू बाई टू से मल्टीप्लाई करके ओके। तो स्टूडेंट देखो टू बाई टू से आपने मल्टीप्लाई किया, अब क्या है आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ओके टू यहाँ पे और आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट आपने क्या है ओके अब ये वन अपॉन टू टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब देखो अब आपको इसको किस प्रकार से ट्रीट करना है ओके वन बाई टू देखो टू कॉस स्क्वायर एक्स ओके तो आप क्या लिखोगे वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या प्लस में और साइन स्क्वायर एक्स क्या यहाँ पे माइनस कॉस और कॉस लिखोगे एक्स है यहाँ पे उससे दुगुना कर दोगे। आई बात समझ में कि नहीं आए समझ में,
वन टू कॉस स्क्वायर अगर 2x होता तो यहाँ पे 4x हो जाता, ओके x बाई टू होता तो क्या, क्लास 11th में खूब पढ़ाया इसको, ओके। तो अब देखो स्टूडेंट, अब ये आपका क्या वन अपॉन टू, अलग अलग करो ठीक है, डी एक्स प्लस वन अपॉन टू कॉस 2x एंड डी एक्स, आई बात समझ में। अब देखो स्टूडेंट, वन अपॉन टू ये x प्लस देखो वन अपॉन टू ये आपका क्या cos 2x का क्या sin 2x, ओके तो sin 2x, अब इस 2x का क्या 2 तो अपॉन 2, ओके ये यहाँ पे 2 है तो 2 नीचे लिख देना, बस आपको कुछ भी नहीं करना, आई बात समझ में कि नहीं। 4 है तो 4 लिख देना, एम एक्स है तो m लिख देना है, ओके प्लस आपका क्या c स्टूडेंट, तो ये आपका क्या 1 अपॉन 4 एक्स प्लस ये आपका मल्टीप्लाई हो गया तो क्या 1 अपॉन 4 सॉरी 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस एक आपका क्या है कॉन्स्टेंट। ये स्टूडेंट आपका क्या है क्वेश्चन हो गया, ओके तो करते हैं एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट्स। अब है आपका एग्जांपल 8, देखो एग्जांपल 8 आपका क्या है साइन 2x कॉस 3x dx। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फर्स्टली साइन एक्स और कॉस वाई वाला अगर कोई आपके पास फंक्शन है, ओके तो आपको सबसे पहले 1/2, ओके अब क्या 2 साइन 2x ओके कॉस 3x dx, अब ये आपका हो गया। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या है 2 साइन एक्स ओके कॉस वाई लिखवाया है, ओके साइन एक्स कॉस वाई लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, तो क्या होगा ये क्या होता है आपका साइन एक्स प्लस वाई, ओके तो साइन एक्स प्लस वाई यानी कि 5x, ओके अब प्लस साइन एक्स माइनस वाई तो साइन देखो 2x माइनस 3x तो क्या माइनस एक्स, ओके आई बात समझ में गई। और क्या बेटा आपका डी एक्स, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो 1 अपॉन 2 ये आपका क्या साइन 5x, और स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा है साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ओके साइन एक्स और क्या डी एक्स, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है 1/2 और ये क्या है साइन 5x, ओके माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स और क्या डी एक्स, स्टूडेंट यहाँ पे भी आपका क्या डी एक्स आएगा, ओके क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो 1/2 साइन 5x का क्या साइन एक्स का क्या माइनस होता है ना, तो माइनस कॉस 5x उसके बाद 5x का 5 प्लस ओके वहाँ पे लिख देंगे प्लस सी, ओके अब यहाँ पे माइनस 1/2 अब इसका क्या माइनस कॉस एक्स तो माइनस माइनस क्या बेटा आपका प्लस कॉस एक्स अब प्लस सी, तो स्टूडेंट ये आपका क्या देखो माइनस में हो गया ना माइनस 1/10 5 2 10 और क्या कॉस 5x प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस आपका क्या एक कॉन्स्टेंट स्टूडेंट ये आपका क्या है हो गया, ओके करते हैं एक और क्वेश्चन बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट्स। अब है आपका क्वेश्चन एग्जांपल 9, ये है आपका साइन क्यू एक्स डी एक्स। देखो स्टूडेंट अभी आपको मैंने क्या है बताया है फॉर्मूला साइन 3x इक्वल टू साइन 3x क्या बताया है 3 साइन एक्स ओके माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ओके अब स्टूडेंट देखो आप क्या करो आप इस चीज़ को इधर करो और इसे इधर लेके आओ, तो देखो आपका ये इधर आएगा तो 4 का 4 प्लस का हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू देखो ये इधर चलाएगा तो ये तो इधर ही है 3 साइन एक्स, ओके अब ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना साइन 3x, आई बात समझ में कि नहीं। देखो ये इधर आया तो पॉजिटिव, ये यहीं पे और ये इधर आया तो क्या नेगेटिव, क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट 4 आप इधर ट्रांसफर करो तो साइन क्यूब एक्स इक्वल टू देखो 3 साइन एक्स माइनस माइनस साइन 3x अपॉन क्या 4, यही तो बन के आ जाएगा, आई बात समझ में कि नहीं, ओके यही क्वेश्चन है आपका।
ओके। तो स्टूडेंट देखो मैं क्या करूं है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया करो यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू। अब स्टूडेंट आपको पूरा सॉल्व करके नहीं लिखना है, अब आपको क्या साइन क्यूब एक्स डी एक्स इसी को तो आपको सॉल्व करना है। अब देखो इसकी आपके पास वैल्यू कितनी है, ओके ये आप पहले ही सॉल्व कर चुके होगे, ओके 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 ओके एंड dx। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो आपका 1/4 तो आगे ही आ जाएगा, इसे आप भूल गए नहीं ना, तो फिर टेंशन काय को ले रहे हो, ओके। अब देखो 1/4 तो आपके पास क्या रह गया 3 साइन x माइनस साइन 3x और क्या dx, ओके स्टूडेंट इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आपके पास क्या है लिखा हुआ है, ओके। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करना है, ऐसे ही आप कॉस क्यू का करोगे, ओके कॉस क्यूब एक्स का। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट अब आपको क्या है, देखो अब ये अलग अलग हो जाएगा ना, ओके माइनस है तो इसका अलग इसका अलग। तो देखो स्टूडेंट 1/4 अब क्या इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स ओके माइनस और आपका क्या dx माइनस अब आपका क्या 1/4 अरे यार 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x और क्या dx। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो 3 तो आपका बाहर ही आ जाएगा, तो ये 3/4 और साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x ओके माइनस ये 1/4 और क्या इसका क्या है माइनस ही आएगा ना माइनस कॉस 3x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 3x, फिर 3x का क्या आपका 3 प्लस आपका क्या कॉस्टेंट। अब ये माइनस 3/4 कॉस x प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस आपका क्या वही पुराना वाला क्या है कॉस्टेंट, ओके। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट उनने क्या है, हाँ उनका भी यही है माइनस 3, उनने एक अल्टरनेट मेथड से और कर दिया है ओके। तो कोई आपको दिक्कत नहीं, उनने क्या है ये साइन एक्स को क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख लिया है ओके साइन क्यूब को। अब उनने क्या है देखो ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये 1 कॉस स्क्वायर एक्स होगा ओके और ये साइन एक्स। अब स्टूडेंट उनने क्या है कॉस एक्स को टीलेट कर लिया है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आएगा ये कैंसिल आउट और फिर आप कर देना ओके, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ओके। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों से क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो अलग अलग आएगा ओके, बट दोनों का आप डेरिवेटिव करोगे ओके तो वो एक ही आ जाएगा। आई बात समझ में गई? क्लियर है ओके। देखो ये किसी का डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेट है, इंटीग्रेशन है ओके। इसको आप क्या है या एंटी डेरिवेटिव, जो फंक्शन आपको क्या है डिफरेंस इंटीग्रेट करना होता है वो किसी फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव होता है, वो कौन सा फंक्शन है। अगर मैं पूछूँ साइन क्यूब एक्स किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो वो ये रहा ये ओके। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है साइन क्यूब एक्स, यानी कि इसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आंसर आ जाएगा साइन क्यूब एक्स। आई बात समझ में ओके। और मैंने आपको बताया है यदि आपको किसी फंक्शन का क्या है इंटीग्रेशन मालूम है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या है आपको ऑटोमेटिकली पता है। आई बात समझ में? ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है आपको ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।